लेट्स कंपेयर ओल्ड वर्सेस न्यू एन तो ये है ओल्ड एन और ये है न्यू जो कि मैं आज खरीद के लाई तो कवर तो दोनों के सेम ही हैं और ये आप देखेंगे 2006 थाउजेंड यहाँ लिखा हुआ है ठीक है और न्यू एन में ये यहाँ पे ये रिवाइज एडिशन है 2022 का ठीक है तो मेरे पास नहीं थी ये बुक तो मैं ऑनलाइन बुक से काम चला रही थी तो देखते हैं कि इन दोनों में देखो फ़र्क तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है बट चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं ठीक है यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सिक्सटीन चैप्टर्स हैं ठीक है और इस वाली एन में आपके थर्टीन चैप्टर्स हैं बस तो तीन चैप्टर तो आपके कट गए तो तीन चैप्टर आपको नहीं पढ़ने होंगे अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं यूनिट वाइज कंपेयर कर लेते हैं ठीक है तो यूनिट जो है सिक्स यूनिट उसमें से कौन सा चैप्टर गायब है तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये वाला चैप्टर इन्होंने नए एनसीआरटी में हटा दिया ठीक है तो ये एक बिग रिलीफ है आपके लिए एक चैप्टर कम हो गया जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में तो तीन चैप्टर थे तो इन्होंने तीन चैप्टर यहाँ पे रखे हुए हैं इसमें से कुछ भी नहीं हटाया ठीक है और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में से इन्होंने एक चैप्टर हटा दिया है तो कौन सा चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इन्होंने इसमें से हटा दिया ठीक है तो दो ही चैप्टर करने होंगे अब आ जाते हैं यूनिट नाइन पे तो यूनिट नाइन में देखो इन्होंने यहाँ पे भी दो चैप्टर हैं यहाँ पे भी दो चैप्टर हैं ठीक है ठीके? और टेंथ यूनिट में आपका इन्होंने एक चैप्टर हटा दिया है कौन सा चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज तो इस तरीके से आपके तीन चैप्टर रिड्यूस हो गए नई वाली एनसीईआरटी में ठीक है अब मैं क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी का भी बना दूंगी